आज हम देखेंगे सुपर स्प्लेंडर BS6 हेड फिटिंग। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह हमारा सामने हेड के पूरा पार्ट्स हैं। ये दो वॉइसर हैं, ये हेड के अंदर लगेंगे जहाँ वाल फिट होते हैं हेड की गाइडों पर। ये गाइडों पर और फिर लगेगी ऑयल सील, जैसे कि आपके सामने दिख रही है। ये ऑयल सील है और इन्हें लगाना है। इन्हें हम पेचकस के जरिए बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये लग चुकी है, जैसे ये दूसरी भी लगेगी। फिर हमें वॉल लगाना है, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। ये लग चुके हैं वाला ऑयल सील। इसके बाद वॉल आएंगे। वॉल दो प्रकार के होते हैं, एक ये एग्जॉस्ट वॉल है और ये इनलेट वॉल है। जैसे हम एग्जॉस्ट वॉल को फिट करेंगे वैसे ही हम इनलेट वॉल को भी फिट करेंगे। एग्जॉस्ट वॉल छोटा रहेगा पीछे से और इनलेट वॉल साइज में बड़ा रहेगा। ये जैसे वॉल क्या हो स्प्रिंग है, स्प्रिंग उसके ऊपर एक वॉइसर रहता है और उसके अंदर दो केचर रहती है, जिसे हमें एक स्पेशल टूल के माध्यम से लगाना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसको थोड़ा स्पेशल टूल है ये, इसके जरिए लगेगी आसानी से। इसे लगाना पड़ता है और इसे टाइट करना पड़ता है। इसके लिए केचरों पर उंगली लगकर थोड़ा दबाएं और दबाने के बाद इसे प्रेस करें और ये फिट हो जाती है। इसे थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ती है क्योंकि ये बहुत दो हिस्सों में रहती है। थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे पार्ट से पेचकस से दबा कर लगा सकते हैं आसानी से। इसको प्रेस करके सही साइड लगा के इन्हें वापस ढीला करना पड़ता है। जैसे कि ये लगा रही है, ये हमने लगा लिए वॉल केचर। जैसे हमारा हेड की वॉल लग चुका है, जैसा हमने इसे एक जो सोल को लगाया वैसे ही इनलेट वॉल को भी लगाना, जैसे कि हम देख सकते हैं। ये हमारी या अगर हमारे हेड रोकर दोनों सेम ही आएंगे। अब जा किसे भी किधर भी ला सकते हैं हम। इसे एक बोल्ट के जरिए इसके अंदर अटाते हैं, इसकी पिन के अंदर उसे ले लें और आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके होल अंदर से मिला लेना है और हमें उसके अंदर एक ये 8 नंबर बोल्ट से लॉक करने के लिए लगाना है। बोल्ट टाइट कर देंगे, ये हमारा रॉकर फिट हो चुका है। ऐसा कि ऐसा दूसरा रॉकर भी लेना है और उसे भी फिट कर देना है। ये आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये फिट हो जाते हैं। ये मैंने पिन में 10 नंबर बोल्ट रखना है, इससे आसानी से अंदर लगा देना। ध्यान रखें इसका होल मिलाकर आपको 8 नंबर बोल्ट कसना है। ये अब आ गई हमारी रॉकर केम। ये केम है,
ये बहुत आसानी से, इसे ऑयल थोड़ा सा लगा लें क्योंकि आसानी से लग सके। इसके माध्यम से हमें ये प्लायर की मदद से आसानी से हम इसकी गेम को लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये गेम लग चुकी है, गेम लग चुकी है। ये हम ये आपको एक बार और दिखा रहा है, ये थोड़ी इसको हिलाकर अंदर फिट कर देना है। ये हमारा पूरा हेड फिट हो चुका है। ये थी हमारी हेड की प्रोसेस, इससे आप आसानी से हेड को फिट कर सकते हैं। ये BS6 सुपर स्प्लेंडर का हेड है, ये गेम को लॉक कर सकते हैं। ये 10 नंबर बोल्ट आता है जिससे हम गेम को लॉक कर देंगे। ये हमारा पूरा हेड फिट हो चुका है।